सोलन के अर्की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र में पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व प्रदेश भाजपा सचिव रतन पाल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर व बच्चों ने वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति से किया। इस मौके पर स्कूली छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्थानीय प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि को स्कूल की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार ही इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सभी छात्रों को स्कूल की किताबें व वर्दियों की सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। प्रदेश भाजपा सचिव रतन पाल ने अपने संबोधन में सरकार द्वारा स्कूलों में दी जा रही वर्दियों व किताबों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पहले तो सभी को किताबें खरीदकर पढ़ाई करनी पड़ती थी, परंतु अब बच्चों को सरकारी बस की सुविधा सहित स्कूलों में किताबें व वर्दियों के साथ बैग व जूते भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि गोविंद राम शर्मा ने जयराम सरकार का स्कूली बच्चों को किताबें व वर्दियों के साथ साथ स्कूल बैग व जूते तक देने का निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने बच्चों को साफ सफाई व नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। और जहां तक मुझे जानकारी है, ये पुस्तक जो फ्री में दी जा रही है, ये अरनिया वाजपेयी की सरकार के समय में और तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे मुरलीम जोशी जी, उस टाइम इसको शुरू किया था और शांता जी के टाइम में भी ये शुरू की गई थी। और मुझे खुशी है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर हर जगह जगह ये पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। फर्स्ट से लेकर आठवीं तक ये सभी बच्चों को, जनरल के और दूसरे बच्चों को, सभी को दी जा रही है। और नाइन्थ और टेंथ में अनुसूचित जाति के बच्चे, OBC के बच्चे, ST के बच्चों को पुस्तकें दी जा रही है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने, धूमल जी की सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्दी योजना शुरू की थी। और मुझे खुशी इस बात की कि आज वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने इसमें और एक एडिशन, जो बैग और जूतों का भी बच्चों को दिए जाएंगे, ये भी एक नई चीज शुरू की है। इसके लिए मैं आदरणीय जयराम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो गरीब बच्चों का हित में जो निर्णय लिया।